So hello everyone, after so many to-do lists you can see here. दिस इज द डे फोर्टीन ऑफ अवर टू series and सीरीज एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस सीरीज ओके इस तरीके से सी सीरीज हम फिर से स्टार्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पे जो बेस्ड हो पर इस सीरीज में जहाँ पर मैं आपके अंदर एक फ्लो लाना चाहती थी एक डिटर्मिनेशन लाना चाहती थी वो सीरीज का आज एंड हो रहा है और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आपको इस सीरीज को आगे कैसे कंटिन्यू करना है नाव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन यहाँ पर वीडियो दो पार्ट में रहता है फॉर बिगिनर्स एंड फॉर दोज हुर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग मैं आपको ये बता दूँ कि बिगिनर आप अभी हैं कुछ ही दिनों बाद जब

एक फ्लो में आप आ चुके हैं तब आप क्या करिएगा जाइएगा डे वन में और वहां पर जो वो वाली नेक्स्ट पार्ट रहेगा वहां से बिगिन करिएगा ठीक है और फिर आगे मूव करिएगा सो नाउ लेट्स बिगिन फर्स्टली करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको देखना ही होता है आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं जिससे भी आपको अच्छा लगता है अड्डा टू को मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने हमेशा ही उसे देखा है आप कोई भी और चैनल जो आपको अच्छा लगता है उसे आप देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको पढ़ना है अफेयर्स क्लाउड से अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है रैंडमली इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको एकदम स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी कि अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा वहां से आपको डेली पीडीएफ वीकली पीडीएफ मंथली पीडीएफ डेली क्विजेस वीकली क्विजेस टॉपिक बेस्ड पीडीएफ एग्जाम बेस्ड पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही बार के सब्सक्रिप्शन में एक साल के लिए ठीक है तो अगर अभी तक नहीं लिया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा जाके ले लीजिएगा क्विज जो कि आप स्किप कर सकते हैं एंड वीकली क्विज पे जा सकते हैं लेकिन बहुत ही बेटर रहेगा अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के सोते वक्त या किसी भी टाइम जब आप थोड़े से फ्री हो डेली क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें से मुश्किल से आपको 15 मिनट्स लगेंगे ठीक है 15 पेजेस हमको डेली इतना करने के बाद हमको फिफ्टीन पेजेस डेली क्यू एंड ए पीडीएफ जो लास्ट मंथ का है जैसे अभी अप्रैल है तो लास्ट मंथ का क्या हो गया मार्च तो उसका हमको क्यू एंड ए पीडीएफ पढ़ना होता है और जब ये हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा लगभग फिफ्टीन ट्वेंटी डेज में तो हमको रिविजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये मैंने आपको अभी बता दिया आप इसको आगे कंटिन्यू समझ लीजिए मई आ गया तो आप उस समय अप्रैल क्लाउड से वो पढ़िएगा रीड करने होते हैं और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था निमिशा मैम की वीडियो आप देख सकते हैं एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पे तो उनकी जो एडिटोरियल uh, की वीडियो आती है उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी करवाए हुए होते हैं और इंग्लिश पे बेस्ड पूरी रहती है इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती है वहां पर तो आप उसको देख सकते हैं ओके okay? वो डायरी आपको मेंटेन करनी है जहाँ पर डेली इन आर्टिकल्स से आपको सेवन टू एट वर्ड्स उठाकर उनकी मीनिंग्स लिखनी है और साथ ही साथ इस वो डायरी का हमेशा रिवीजन करते चलना है नाउ इन दो आर्टिकल में से एक आर्टिकल को आप उठाकर इसको समराइज करना है खुद के वर्ड्स में मुझे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं किस तरीके से समराइज करना है तो आपको अपने वर्ड्स में समराइज करना है जो वो आप मेंटेन करते हैं उसका यूज करके समराइज करना है, है ना और अगर समझ लीजिए आपसे स्टार्टिंग में खुद से समराइज करते नहीं भी बनता है ना तो आप आर्टिकल्स को अपने सामने रखिए उन्हीं में से कुछ सेंटेंसेस उठा लीजिए फिर आसपास के कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाइए मतलब लेकिन ये समराइज करने के लिए क्यों बोल रहे हो बिकॉज इससे अपना आपका खुद का एक ओपिनियन फॉर्म होता है धीरे धीरे आपके पास बहुत ज्यादा मटीरियल अवेलेबल हो जाता है फॉर एस एस फॉर डिस्क्रिप्टिव जो आपका आईबीपीएसपी ओ एसबीआईपी ओ में काम आएगा एंड ऑल्सो फॉर इंटरव्यू इंटरव्यू के समय पर भी हम रिसोर्सेज ढूंढने लगते हैं कि कोई भी जो रिसेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं उस समय मतलब हमको बहुत स्केरसिटी हो जाती है डिस्क्रिप्टिव के समय भी एस एस के टॉपिक के लिए तो ये सब ना करके हमारे पास खुद का मटेरियल अवेलेबल रहेगा तो वो बेस्ट रहेगा ठीक है तो मैं ऐसा करती थी इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ अगर आप नहीं भी कर पाए ये चीज तो एडिटोरियल में से ही कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स होंगी ना लगभग फाइव टू सिक्स लाइन्स सेवन लाइन्स ये आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपके पास एक एडिटोरियल का ही एक समरी रहे फोर टू फाइव सिक्स मंथ्स का लास्टली जब आप डिस्क्रिप्टिव या इंटरव्यू में जाते हैं ठीक है तो ये आप काम कर लीजिएगा जरूर कर लीजिएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मूव करते हैं डीआई आपको फोर प्री लेवल की हर दिन डिफरेंट टाइप्स की करनी है ठीक है एक मैंने एस पीओ के लिए मास्टर वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको ये पूरी टाइप्स बता दिए थे ठीक है डीआई की कौन कौन सी टाइप्स होती है कम से कम मैंने 10-12 टाइप्स बताई थी और पजल्स के कौन से 10-12 टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था तो वो एस बी आई का एक मास्टर वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं उसको नहीं बता पा रही हूँ आपको तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप होते हैं उसको एक जगह पर नोट कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और फिर आप ये चीज एन्श्योर करिए कि आप डी के चार प्री लेवल डी सॉल्व कर रहे हैं जो कि अलग अलग टाइप के होंगे ठीक है और इसका आपको टारगेट बनाना है 10 से 12 मिनट में आपको ये चीज कर लेना है ये आपको टारगेट बना के चलना है ये हर दिन आपको करना है ओके और नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सिमेशन इसके इतने इतने क्वेश्चन इन सबको मिला के आपका टारगेट होना चाहिए दस से बारह मिनट ठीक है अब आप इसके अलावा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर्स आज वॉच करेंगे और एक्स्ट्रा में ट्वेंटी क्वेश्चन उसके सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको आज के लिए बताया लेकिन आपको क्या करना है टेक न्यू एरिथमेटिक टॉपिक्स डेली वॉच उनके लेक्चर्स एंड सॉल्व क्वेश्चन कहां से कर सकते हैं आप करियर डिफाइनर ये चैनल मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है करियर डिफाइनर ठीक है व्हेन वंस ऑल द टॉपिक्स आर कंप्लीटेड अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक इससे आपका रिवीजन होगा ठीक है और आपको आप सेक्शनल मॉक्स देने हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकें टाइम टाइम पे सेक्शनल मॉक्स दिया करिएगा और जहां पर भी आपको लगता है कि जिस सेक्शन में आप जिस टॉपिक में आप लैक कर रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे से आप पढ़िएगा ठीक है प्रैक्टिस एवरी थिंग विथ टाइमर और टेबल्स स्क्वायर्स और क्यूब्स डेली रिविजन करना ही है एक मेन्स लेवल की डीआई हमको हमेशा सॉल्व करना है एक आध दिन आपका छूट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन जब तक आप बिगनर हैं तब तक लिबर्टी मिली हुई है जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे तो आपके पास ये लिबर्टी नहीं है डेली एक मेन्स लेवल का डीआई आपको सॉल्व करना है ठीक है रीजनिंग में जब मूव करते हैं तो प्री लेवल के पजल्स आपको चार सॉल्व करने हैं यहां पर भी मैंने डिफरेंट टाइप लिख दिया है उसी वीडियो से आप ये पजल्स के भी डिफरेंट टाइप्स एक बार देख लीजिएगा टारगेट आपका होना चाहिए टेन मिनट्स में और अंकुश सर की थाउजेंड पजल सीरीज की जो लेक्चर्स हैं उसको भी वॉच कर लीजिएगा साथ ही साथ में आपके और एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी और अप्रोचेस का पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है अगर सही अप्रोच आप अभी नहीं पकड़ पा रहे होंगे तो उन लेक्चर्स को जरूर वॉच कर लीजिएगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते एक मेन्स लेवल का पजल इसी तरीके से आपको डेली सॉल्व करना है एंड सेक्शनल मॉक आपको देना है जैसे मैंने क्वांट के लिए बोला तो वहां वैसे ही आपको सेक्शन वॉक रीजनिंग का भी देना है और अपने फ्लॉस फिर वर्क करना है जो ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां आपको लगता है कि आपको उन उनप वर्क करना है आप लैक कर रहे हैं okay? वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो डेटा सफिशियं एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों में ही आता है प्री में भी आता है मेन्स में भी आता है क्वांट में भी आता है रीजनिंग में भी आता है तो वहां पर हम फर्स्ट जाते हैं और यही वो टॉपिक है तो सही से सॉल्व कर लिया तो आप बाकी सारे स्टूडेंट से आउट आउट परफॉर्म कर जाएंगे ठीक है इसलिए इस पर फोकस करिएगा दैट वॉज ऑल इंग्लिश के लिए ये बोलना है मुझे बस की एक सेक्शनल मॉक प्री का देना है आपको और एक सेक्शनल मॉक मेंस का देना है इंग्लिश के लिए कोई चैनल रिकमेंड नहीं नहीं करूंगी अगर आप ये सेक्शनल मॉक्स भी अवेल कर पा रहे हैं ना ज्यादा तो आप क्या करिए खुद से मॉक प्रिपेयर कर लीजिए ना मतलब पांच क्वेश्चन इस टॉपिक के पांच क्वेश्चन इस टॉपिक के इस तरीके से हमने थर्टी क्वेश्चन एक जगह पे इकट्ठे कर लिए और फिर हमने उसको टाइमर लगा के दिया एज अ मॉक ट्वेंटी मिनट्स में दिया तो वो आपका एक सेक्शनल मॉक ही तो हो गया तो इस तरीके से ही आपको करना है मेन्स के लिए बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपके पास है सबमिट करके उसमें इंग्लिश का सेक्शन आपको देना है वही आपके लिए हो जाएगा ओके और ये करने के बाद आपको अपनी फ्लॉस पे वर्क करना है आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस कि मेरे किस मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक सेक्शनल मॉक मेंस का दे लिया और आपने कम से कम उसमें ट्वेंटी क्वेश्चंस बनाए ट्वेंटी क्वेश्चंस नहीं बनाए तो ऐसा नहीं है कि उन ट्वेंटी क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है एनालिसिस करते वक्त तो आपको उनको भी सॉल्व करना है इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी ना इंग्लिश की प्रैक्टिस में हमेशा से बोलती हूँ से ज्यादा अच्छे से किसी से नहीं हो सकती ठीक है तो प्रैक्टिस भी आप करिए इन्हीं से ठीक है फाइव फ्रेजेस आपको डेली पढ़ने हैं जो कि आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट टॉपिक में हेल्प करेंगे आपको वो कैप ही तो रहे हैं तो वो कैप का रिविजन अच्छे से कर लीजिएगा और रूल्स वगैरह जितने भी आपने पढ़े होंगे अभी तक सबको अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा ठीक है गेस वर्क नहीं करना है और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जो कि हमारे मार्क्स को डाउन ले जाती है Okay. एक मैंने मॉक सॉल्विंग वीडियो बनाई थी अभी दो दिन पहले उसका भी लिंक यहां पर दे दूंगी जरूर वॉच कर लीजिएगा थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा ना कि हमको किस तरीके से सॉल्व करना होता है स्पेशली पैराजंबल्स स्पेशली आरसी को किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो आपको पता लगेगा वो प्री लेवल का मॉक था मैं मेंस लेवल का भी बहुत जल्द लाने वाली हूँ आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां क्वांट का कभी रीज़निंग का कभी प्री का कभी मेंस का ठीक है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा और लास्टली आपको मॉक टेस्ट देना है एंड प्रॉपर एनालिसिस करनी है साथ ही साथ में एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है एंड एक मेंस का मॉक भी आपको देना है वंस इन in... वीक और वंस एन ए टेन डेज फिलहाल आप टेन डेज रखिए और ये जो मैंने बोला ना प्री का मॉक टेस्ट आपको एक देना है इसको आपको थोड़ा इंक्रीज करना है जब आपका एग्जाम सामने आ जाएगा तब हमको दो मॉक टेस्ट डेली देने हैं ठीक है जब आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सब कुछ एकदम डन हो जाएगा और ये इन्श्योर करिएगा कि आप अपने ग्राफ को इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं जो आपका मॉक टेबल मैंने प्रिपेयर करने को बोला था उसमें ग्राफ आपका इंप्रूव हो रहा है कि नहीं इस चीज को एन्श्योर करिएगा और अच्छे से एनालिस करके ये चीज देखिए कि आप कहां पर लैक कर रहे हैं एक प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई थी उसका भी लिंक में

वेबसाइट पे अलग से जाके सर्च कर सकते हैं जब भी आपको कभी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो अलग से ठीक है जो मैंने आपको पीडीएफ दी है फ्री पीडीएफ है उसको जरूर एक बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा नाउ दैट वॉज ऑल फॉर यू माई डियर पेरेंट्स आई होप आपको आपके लिए ये पूरा सीरीज बेनिफिशियल रहा होगा आपको आप बिल्कुल एक फ्लो में आ चुके होंगे और इसी तरीके से आपको हर दिन अब आगे कंटिन्यू करना है अब ये जो टू डी लिस्ट है ना ये नहीं आएगी ये लास्ट वीडियो है और इस तरीके से आपको बस अब डेली आगे कंटिन्यू करना है एक जगह पे ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीन शॉट लेकर प्रॉपर अपने पास सेव कर लीजिएगा ठीक है दैट वॉज ऑल थैंक यू सो मच नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ फॉर दोलरेडी प्रिपेयरिंग नाउ करेंट अफेयर्स में आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो करना है डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ करना है फ्रॉम अफेयर्स क्लाउड एज एव ऑलरेडी टोल्ड यू और डेली क्विज आपको यहीं से सॉल्व करना है इसमें आपको बिल्कुल भी प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है तो आपको 15 मिनट्स क्विज देने में लगते हैं तो ये किसी भी समय पे जब आप थोड़े से फ्री होते हैं सोते वक्त या किसी भी समय पर तो उस समय ये क्विज जरूर क्विज वाला पार्ट आपको कंप्लीट कर लेना है अगर आप डेली नहीं भी कर रहे हैं तो फिर आप वीकली में जा सकते हैं लेकिन डेली अगर आप कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा पंद्रह पेजेस आपको लास्ट मंथ के हमेशा रीड करने हैं मंथली वाले पीडीएफ की ये मैंने आपको बोला है अगर आप ज्यादा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी कर पा रहे हैं तो पंद्रह कम से कम करिए फिफ्टीन ट्वेंटी डेज में आपका Complete हो जाएगा और उसके बाद आपको अच्छे से रिविजन करना होता है ठीक है जैसे हम मई में मंथ में मूव करेंगे तो आपको अप्रैल का करना है ये मंथली पीडीएफ आपको पढ़ते हुए चलना है आपको मिल जाएगा अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है एंड आप रैंडमली इस वीडियो पर आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीकली पीडीएफ मंथली पीडीएफ डेली क्विजेस वीकली क्विजे सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाते हैं टॉपिक बेस्ड पीडीएफ्स एग्जाम बेस्ड पीडीएफ्स आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ एक बार एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वन ईयर के लिए आप सॉर्टेड हैं ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप देख सकते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं एडिटोरियल पे डेली दो आर्टिकल्स की रीडिंग आपको करनी होती है और इन एडिशन आप निमिषा मैम की एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पर लेक्चर्स देख सकते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको एडिटोरियल के लिए वहां पर इंग्लिश बेस्ड सेशन होता है और वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं वोकैबलरी आपको मेंटेन करना है सेवन टू एट डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स और इसकी प्रॉपर रिविजन करते चलना है एक आर्टिकल को आपको अपने वर्ड्स में समराइज करना है लिखने की कोशिश करनी है अगर आप अभी फिलहाल नहीं लिख पा रहे हैं तो सामने अपने आर्टिकल्स को रख लीजिए उसी में से थोड़ा हेल्प लेकर लिखिए लेकिन थोड़ा सा लिखिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट दैट मीन्स एसेज एंड इंटरव्यू में भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा ओके okay? इसलिए इस पार्ट को मत छोड़िएगा मूव करते हैं क्वांट में बहुत अच्छे समझिएगा मैंने यहाँ पर क्या बोला है आपको एक प्री लेवल का सेक्शन मॉक आपको डेली सॉल्व करना है और अगर आप ये सेक्शन मॉक नहीं कर रहे हैं सॉल्व तो आप फिर ये करिए कि डीआई चार प्री लेवल की आप डिफरेंट टाइप्स आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसपीआई पी ओ का मास्टर वीडियो उस वीडियो में मैंने डीआई के बहुत सारे टाइप्स आपको बताएंगे कौन कौन से टाइप की डीआई होती है दस बारह टाइप्स और पजल्स के भी उसी तरीके से दस बारह टाइप्स बताए हुए हैं यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा में नहीं बता रही हूं उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा उस पॉइंट पे जहां पर मैंने आपको ये टाइप्स बताई हुई हैं फिर आप एक जगह पे उसको सेव कर लीजिएगा और ईफ एन्श्योर करिएगा कि आप हर दिन चार प्री लेवल की डीआई सॉल्व कर रहे हैं जो कि अलग अलग टाइप के होने चाहिए और आपका कोई भी टाइप छूटना नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको वो वीडियो का वो पार्ट देखने बोल रही हूँ ठीक है तो ये आपको टारगेट बनाना है टेन टू फिफ्ट 12 मिनट्स में आपका ये चार प्री लेवल का डीआई हो जाए नंबर सीरीज के टेन क्वेश्चन के 5 सिंप्लीफिकेशन के 5 और approximation के 5 इतना सब आप कर सकते टेन टू ट्वेल्व मिनट्स में ये चारों पार्ट आप टेन टू ट्वेल्व मिनट्स में कर सके इतना आपको करना है ठीक है नेक्स्ट क्या है परसेंटेज वीडियो लेक्चर्स आज आपको देखने हैं और ट्वेंटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वीडियो लेक्चर्स आप कहाँ से देखें करियर डिफाइनर में प्ले बनी हुई है उससे ही वॉच करेंगे ठीक है और उस प्ले लिस्ट को फिनिश करेंगे अब मेरी बात सुनिए आज मैंने आपको परसेंटेज बोला है आपको इसी तरीके से डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक उठाना है और इस तरीके से ही लेक्चर्स वॉच करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब तक आपका सारे टॉपिक अच्छे से फिनिश नहीं हो जाएंगे ठीक है क्योंकि आज लास्ट वीडियो है टूडोलिस्ट की तो इसके आगे आपको ही लेकर जाना है आपको ही सॉल्व करना है एक यहां पर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है जो आपको एड करनी है कि आपको ना किसी किसी दिन क्या करना है कि सिर्फ आपको ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी है एक मेन्स का मॉक आप लीजिए और उसमें क्वांट सेक्शन में जाइए और उसको सॉल्व करिए ठीक है आपसे टाइम जितना टाइम रहता है उसमें जितना सॉल्व हो पाता है वो ठीक है टाइम के बाद आप फिर जितने बच गए क्वेश्चंस उसको सॉल्यूशन देखिए अच्छे से सॉल्व करिए समझ समझ के सॉल्व करिए लेकिन पूरा आपको सॉल्व करना है उस मेंस के पूरे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एक आध छूट भी जाता है तो उसको आपको नेक्स्ट डे के लिए रखना है कि मुझे ये सॉल्व करके ही रहना है ठीक है तो ऐसे बीच बीच में ना एक वीक में एक बार मेन्स के सेक्शन मॉक को सॉल्व किया करिएगा ठीक है उसके बाद देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया टेक न्यू मिसलेनियस एरेथमेटिक टॉपिक्स डेली एंड वॉच लेक्चर्स एंड सॉल्व क्वेश्चन वंस वेन ऑल द टॉपिक्स गेट कम्पलीटेड फिर आपको फिर से स्टार्ट करना है ठीक है और मॉक्स वगैरह में आप जो जो भी आपको लगता है ना जो एरिया में आप लैक कर रहे हैं उन उनपे अकॉर्डिंगली वर्क करिएगा ओके वर्क ऑन योर फ्लॉज अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस एवरी थिंग विद टाइमर जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना अलग से जो प्रैक्टिस करते हैं हर चीज टाइमर के साथ जैसे मैंने आपको बोला ना ये टारगेट टेन टू ट्वेल्व मिनट्स वही तो है टाइमर से ही तो आपको समझ में आएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं ओके दैट वॉज ऑल आपको एक मेन्स लेवल का क्वेश्चन या डी आई या तो क्वेश्चन या डीआई जो कि आपको मॉक टेस्ट से ही मिल जाएगा आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है ये तो मैंने वनस इन अ वी बोला है ना मॉक देने के लिए लेकिन एक डीआई या एक क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है ठीक है दैट वाज ऑल फॉर क्वांट नाउ लेट्स मूव टू रीजनिंग यहां पर चार प्री लेवल के पजल्स का आपको टारगेट रखना है टेन मिनट्स डेली आपको देना है और यहां पर भी डिफरेंट टाइप्स आप सॉल्व करेंगे उसी एस बी की मास्टर वीडियो जिसका लिंक मैंने दिया है ना उसमें आपको मिल जाएगा कि पजल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो इन्श्योर करिएगा कि आप डिफरेंट टाइप्स को सॉल्व कर रहे हैं और आपका कोई भी टाइप जो है वो छूटे मत ओके ियस पार्ट में से जो भी जैसे सिलॉजिज्म ये सारी चीजें होती हैं ना सिलॉजिज्म हो गया इन हो गई इनमें से आप चार टॉपिक्स चूज करिएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं छः सात टॉपिक होते हैं तो उसमें से चार टॉपिक आप डेली चूज करिएगा और उसके फाइव फाइव क्वेश्चन मतलब ट्वेंटी क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है उसका टारगेट है टेन मिनट्स ठीक है और ये दोनों चीजें ना करके आप क्या कर सकते हैं एक सेक्शन मॉक भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब आप देखिए इसके अलावा आपको क्या करना है एक मेंस लेवल का पजल डेली सॉल्व करना है जैसे मैंने वहां पर डीआई के लिए बोला वैसे आपको यहां पर एक मेंस लेवल का पजल डेली सॉल्व करना है यहां पर मैं लिखना भूल गई हूं लेकिन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी लेक्चर अच्छे से वॉच करके उस टॉपिक को भी अच्छा अपना मतलब एकदम परफेक्ट बनाना है ठीक है मेरिट शाइन वगैरह चैनल पर आप वॉच कर लीजिएगा एकदम बेस्ट लेक्चर्स डले हुए हैं मेरिट शाइन ठीक है क्रिटिकल रीजनिंग को भी अपना मतलब एक टाइम देना है ऑल्टरनेटिव बेसिस पे उसके भी टू टेन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिएगा ओके okay? अंकुश सर की थाउजेंड पदल सीरीज को आप वॉच कर सकते हैं अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके अप्रोचेस सही नहीं लग रहे हैं आपको ठीक है और मैंने यहां पर अगेन आपको बोला है कि वंस इन अ वीक आप ये काम करिए कि आपको सिर्फ एक सेक्शनल मेंस का मॉक उठाना है और उसको सॉल्व करना है पूरा का पूरा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है और आपको ना है कि आप इंप्रूव कर सके और अपने पे अकॉर्डिंगली वर्क कर सके कुछ पार्ट उसका छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं नेक्स्ट डे के लिए रख लीजिएगा लेकिन एक पूरा जो सेक्शन होगा ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा किसी दिन आपको सिर्फ इतना करना है ठीक है नाउ नेक्स्ट इंग्लिश एक सेक्शन प्री का मॉक देना है एक सेक्शन मेन्स का मॉक देना है जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है आपकी मॉक से बेटर प्रैक्टिस इंग्लिश नहीं हो सकती इसलिए ये दोनों चीजें आपको हमेशा करनी है और मेंस का मॉक आपको पूरा सॉल्व करना है उस टाइम फ्रेम में आपसे नहीं भी बन पाया पूरा तो भी कोई बात नहीं लेकिन सबमिट करने के बाद आपको पूरा सॉल्व करना है ठीक है एंड वर्क ऑन योर फ्लॉज अकॉर्डिंगली पर भी आपको समझ में आता है कि इस सेक्शन में हम लैक कर रहे हैं फाइव फ्रेजेस आपको डेली पढ़ने हैं ताकि आप फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सके एंड मैंने एक मॉक सॉल्विंग वीडियो बनाई थी लाइव मैंने मॉक सॉल्व किया था प्री लेवल का उसको आप एक बार वॉच करिएगा और थोड़ा सा समझिएगा आरसी में कैसे सॉल्व करना होता है पैराजल्स कैसे सॉल्व करना होता है उससे आपको एक बेटर आइडिया मिल पाएगा एंड ये सीरीज मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूं जहां पर कभी क्वांट के कभी रीजनिंग के कभी इंग्लिश के कभी प्री के कभी मेन्स लेवल के मॉक्स मैं इस तरीके से सॉल्व किया करूंगी आपके सामने ओके सो स्टे ट्यून्ड एंड उन लेक्चर्स को जरूर वॉच करिएगा वो कैबलरी की रिविजन आपको साथ साथ में करते हुए चलना है ओके okay? लास्टली आपको मॉक टेस्ट देना है और प्रॉपर एनालिसिस करनी है एक मॉक टेस्ट प्री लेवल का डेली देना है, विद प्रॉपर छूट दे रहे हैं अब यहां से आप आगे चुका होगा कि मुझे किस सेक्शन में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है ठीक है एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है लेकिन जैसे ही एग्जाम पास में आएगा तो आपको इंक्रीज कर देना है दो मॉक टेस्ट आपको प्री लेवल के हर दिन देने जैसे ही एग्जाम लगभग टेन टू फिफ्टीन डेज दूर रहता है आपसे एक मेंस लेवल का मॉक आपको सॉल्व करना है वंस इन अ वीक और वंस इन टेन डेज ठीक है एक मेंस लेवल का होल मॉक आपको सॉल्व करना है उस दिन आपको कुछ नहीं करना है उस पूरे मेंस लेवल के मॉक को ही प्रॉपर एनालिसिस करके अच्छे से सारे टॉपिक्स पे वर्क करना है उस दिन आपको ये टू लिस्ट में से कुछ नहीं करना उस दिन आपको ये मेन्स का मॉक ही सिर्फ करना है ठीक है मैंने आपको बोला था सात दिन में से एक दिन अपना इस तरीके का रखा करिएगा ओके एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर ग्राफ इन मॉक्स ओके दैट वॉज ऑल आई कुड गिव यू मतलब मेरे इतने एफर्ट्स लगते हैं ना इतने एफर्ट्स लगते हैं आप काउंट नहीं कर सकते दैट वॉज ऑल आई कुड गिव यू ओके अभी मैं आपको बता रही हूं इस वीडियो के बाद आई एम स्वेटिंग लाइक हेल ओके क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जब मैं आपको समझाती हूँ ना तो मैं अपना हंड्रेड परसेंट से भी ज्यादा थाउजेंड परसेंट देने की कोशिश करती हूं तो अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आई होप आई बिलीव कि आप भी करेंगे ओके दैट वॉज ऑल दिस वॉज द एंड ऑफ योर टू डू लिस्ट वीडियो एंड मैं जिस चीज के लिए मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था इस सीरीज को स्टार्ट किया था आई एम सक्सेसफुल इन दैट मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड एंड फ्लो में आ चुके हैं भले ही आपसे कोई टॉपिक्स अभी ज्यादा टाइम ले रहे हैं भले ही आप थोड़ा सा लैक कर रहे हैं लेकिन

learning and thank you so much for watching.